गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्वाड्रेटिक के अब तक 10 लेक्चर ले चुके हैं और 10वें लेक्चर में मैंने आपको श्रीधराचार्य विधि बताई थी, या जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था, उसको मैंने पूरा ड्राइव भी करवाया था, कैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपोन ए होता है और अल्फा बीटा सी अपोन होता है, पूरा ड्राइव करवाया था। और इक्वल रूट्स के कंडीशन बताए थे कि डी इक्वल टू जीरो होता है तो रूट्स आर इक्वल होते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो होता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी जब ग्रेटर देन जीरो की इक्वल आता है तो मैंने क्या बताया था, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और डी लेस देन जीरो की इक्वल आता है तो मैंने बताया था रूट डज नॉट एग्जिस्ट या इमेजिनरी। उस पर बेस मैंने उस वीडियो में 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने उसको आधे घंटे में छोड़ दी थी। अब उसके आगे उस पर बेस हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और यकीन मानो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो एक बार को पता ही नहीं चलता करेंगे कैसे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि इफ एक्स इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, इसमें कितने अननोन है, एक के और एक पी, तो मुझे पी निकालना है तो के को हटाना पड़ेगा क्योंकि के भी अननोन है, के बारे में मुझे नहीं पता कि के क्या होता है। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू यहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो x इक्वल टू 3 है उसको इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। एक्स ये कितना रखना है 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 प्लस के इक्वल टू 0, मतलब के इक्वल टू माइनस 6, ये वैल्यू आ गई के की। अब k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये वाली। तो इक्वेशन लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस के और ब्रैकेट में 6x प्लस के प्लस 2 और बाहर में p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस k की जगह कितना रखना है, माइनस 6, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 6 और ब्रैकेट में 2x प्लस k की जगह माइनस 6 प्लस 2 और बाहर में कितना है, p इक्वल टू 0। क्या करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस का 6 2x और यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस, माइनस का 6 और प्लस का 2 इंटू पी इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऐसे ही रहा, 2x माइनस 6 में से प्लस का 2 गए तो माइनस का 4 और पी इक्वल टू 0। अब इस 6 को क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 हो जा 12x माइनस का 4p इक्वल टू 0, और 4 नहीं आएगा, एक मिनट, एक गलती हो गई है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 ब्रैकेट में, ठीक है, ये पूरा कितना आ जाएगा, ये पूरा मेरा, देखो ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस का 24 और बाहर में कितना है, p इक्वल टू 0। अब p को अंदर भेजो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6px प्लस का 24p इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है यकीन मानो, लेकिन इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करो कभी गलती नहीं होगी। अब इस इक्वेशन को सही से लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6px प्लस 24p इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए कितना आ रहा है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, देखो बी इक्वल टू माइनस 6p और सी इक्वल टू 24p। अब इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है हमें पता है, डी इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डी इक्वल टू 0, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर
माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। बी की जगह कितना है तो देखो, माइनस का सिक्स पी का होल स्क्वायर इंटू फोर इंटू, ए की जगह कितना है, ए की जगह वन, और सी की जगह कितना है ट्वेंटी फोर पी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, 36 पी स्क्वायर, 36 पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखो 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 पी। अब क्या होगा ध्यान से देखो, इससे ये कट जाएगा देखो 6 से, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 96 अपॉन 36 पी। तो देखो ये कट रहा है इससे 6 से, तो 6 से कटा 6 टाइम में, और ये 6 से कटा तो 16 टाइम में। ठीक है, और फिर से क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, मतलब 16 अपॉन 6 इंटू पी। फिर ये फर्दर कट जाएगा किससे, 2 से, तो ये 3 और ये 8, तो कितना आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 पी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पी से इस पी को काट देंगे, तो पी कितना आ जाएगा 8 अपॉन 3। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये गलत है, बिल्कुल देखो इसका एक्चुअली में सॉल्यूशन ये है, ध्यान से देखना, इसको हम कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस इस पूरे को उठा के, इस पूरे को उठा के यहाँ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन 3 पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी कॉमन ले लो तो क्या आएगा पी माइनस 8 अपॉन 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है, जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो पी इक्वल टू 0 होगा या पी माइनस 8 अपॉन 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी इक्वल टू 0 और पी इक्वल टू 8 अपॉन 3। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, क्या कैसे किया मैंने, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, ना समझ में आए दोबारा से वीडियो को देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। अच्छे से देख लो, मैं चेक कर लूँ कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लो एक बार अच्छे से।